नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर सोनीपत से। जी हां, आपको बता दें कि राई हल्के के जाट जोशी गांव में एक निजी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियों के साझा घोषणा पत्र बनाया और उसे पूरा करने का विश्वास भी दिलाया, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, स्थानीय विधायक दुड़ा राम फतेहाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचे, जहां उनका जिलावासियों ने फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि युवा नेता मुनीश मेहता और विश्रोई सभा ने मंत्री रणजीत सिंह का कर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही गुरु जम्बेश्वर भगवान के अंदर मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने सांसद सुनीता दुग्गल की प्रशंसा भी की। आए थे, हमें सबको जयंत कह के गया, हमारे सबको मेरी शुभकामनाएं, मेरे से सारे मिले। कभी भी रणजीत सिंह के दरवाजे खुले हैं जैसे पहले थे, अब भी रहेंगे, कभी फर्क नहीं है। का फर्क आए तो शहर में से मेरा निकलना बंद कर देगा। हमें आपका इतना प्यार है कि यहाँ अब्दुल कलाम जी ने हमारी इज्जत बनाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। हम दोनों बड़े अभिभूत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया, जहां करनाल के कैबिनेट कमेटी चौक पर उन्होंने एक घंटे का धरना दिया। आपको बता दें कि यह धरना करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में दिया गया। वहीं धरने के दौरान संजय भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर बीजेपी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, फिर भी विपक्ष के लोग लगातार इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं, उनको भी इस पर माफी मांगनी चाहिए। गुमड़गांव में हल्के कन्नौर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शानदार स्वागत किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश देखने को मिला। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति युवाओं का भी उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफी इज्जत दी और साथ ही उनकी तारीफ के पुल भी बांधे। कार्यकर्ता पूरे जोश से नसीन थे और हुड्डा साहब यहाँ पर्सनल तौर से आए थे, राजनीतिक तौर से नहीं आए थे। और ये पर्सनल तौर पे किसी के गाँव में आना ये दर्शाता है कि कितना लगाव और कितना करीबी हक मानते हैं आप। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी साहब हमारे गांव में आए, हमारे एक साथी का माता जी का देहांत हुआ था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, उनके यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उसी उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं के अंदर कांग्रेस के लिए कितना उत्साह आप जोश देखने को मिल रहा है, या इससे पता चल रहा है कि लोगों की उम्मीद विपक्ष से ज्यादा है और सत्ता पक्ष से कम। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जोश और उत्साह बता रहा है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर है जब देश के जन की जनता की उम्मीदें विपक्ष से जुड़ी हुई। नारनौद के वार्ड नंबर 13 में जेजेपी नेत्री और विधायक नैना सिंह चौटाला एक निजी कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सभी वादों को पूरा करेंगी। इसके साथ ही 10 एमएलए देकर विधानसभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया। मैसेज तो ये लोगों ने इतनी अच्छी तरह जिता के जो 10 के 10 एमएलए बेचे हैं, मैं सारे हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितनी मेहनत अब की है उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे आगे 5 साल और लोगों के बीच में रह के उनके काम करेंगे। नारनौद हल्के के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बेसिक्स जो गांव के लोगों की होती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे रोजगार हो, ये सारी प्राथमिकता ही है। हर काम जो लेके चले हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। हरियाणा के सतलानी में अखिल भारतीय गौ पर्यावरण चेतना संघ के तत्वाधान में हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान से शुरू की गई,
जिसमें गौ पर्यावरण महायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जमुना वाय माता मंदिर में गाय के धार्मिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और व औषधीय महत्व के बारे में जानकारी दी, साथ ही गौ संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। सिद्धार्थनगर बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश और इटावा विधायक ने क्षेत्र के ग्राम डोमसरा बोनाजोत सिकटा में विधायक निधि पूर्वांचल विकास निधि और मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा के लिए 5 करोड़ तक की सड़कें बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, उसका लोकार्पण कर दिया गया है। वहीं विधायक का मानना है कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना चाहिए और इसलिए ही उन्होंने जनता के बीच ये कार्यक्रम किया। हमारे क्षेत्र में हमारी विधायक निधि से, पूर्वांचल विकास निधि से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वित्तीय वर्ष में हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक की सड़कों के बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। ऐसी अलग अलग योजनाओं से हमारे क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण हो चुका था। आज अपनी विधायक निधि से बनी हुई 3 सड़कें, जो एक बोनाजोत गाँव में और एक यहाँ आज डुमसरा में और आगे अभी जा रहा हूँ इसके बाद सिकटा में, 3 सड़कें बनी थी, उन्हीं सड़कों का लोकार्पण करने भी आए थे और इसी बहाने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनने, उनका समाधान करने, क्योंकि मेरा ये मानना रहता है कि जनता हमको बनाती है, जनप्रतिनिधियों को, वो हमको खोजें अपनी बात करने के लिए ठीक नहीं है। हमको स्वयं समय समय पर जनता के बीच पहुंचना चाहिए और वहां पहुंचते हैं तो जमीनी सच्चाइयों को समझ भी पाते हैं, जनता आसानी से अपनी बात भी कह पाती है। तो मैं अक्सर अपने क्षेत्र में इस तरह के काम। हरियाणा के भिवानी में अध्यापक पात्रता परीक्षा चल रही है जिसमें लाखों परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड 9 नवम्बर तक तीनों लेवल की उत्तम कुंजी जारी करेगा और रिजल्ट 1 जनवरी तक आ सकता है। साथ ही बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने प्रशासन और बोर्ड अधिकारी ने पेपर को सही तरीके से करवाने की बात कही। देखिए, सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेलेंस के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किस स्थान पर सेंटर के अंदर और सुचारू रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इनके सामने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम हम स्थापित किया हुआ है, तो उसके माध्यम से जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है सीधा हम लोग उनके साथ वार्तालाप करके उन्हें डायरेक्शन दे के, दिशा निर्देश दे के, और अगर कोई कमी हमें लगती है तो उस कमी को हम दूर कर लेते हैं। तो लाइव मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कार्य के लिए। जहाँ से परीक्षार्थियों ने अपना एडमिट कार्ड लोड किया है उसी साइट पर मंगलवार 19 तारीख को शाम तक की तीनों परीक्षा प्रश्न पत्रों की लोड कर दी जाएगी। सर, रिजल्ट की बात करें, पहले भी बोर्ड जो है हमेशा तैयार रहता है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं का रिजल्ट आए, तो एचटेट की जो परीक्षाएं हैं इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? सर, प्रयास रहे कि 9 वर्ष पर सभी परीक्षाओं को तोहफा दिया जाए। माना जा सकता है कि 1 जनवरी के आसपास तक रिजल्ट आए। प्रयास रहेगा कि हम 1 जनवरी को ही घोषित कर दें, बाकी समय बताएगा। यूपी के चंदौली में हरियाणा से आ रही शराब की खेप मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई, जिसमें शराब की कीमत 25 लाख और कीटनाशक दवा की कीमत 21 लाख रुपए बताई गई है। बताया जा रहा है कि सूचना पर काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने 280 पेटी शराब की बरामद की है। साथ ही अभियुक्त को आबकारी अधिनियम के पंजीकृत कर जेल भेज दिया। एक ट्रक जो हरियाणा की ट्रक है, जिसमें संदेह होगा कि इसमें कुछ शराब लदी होगी, शराब तस्कर इसमें जा रहे होंगे, इसको घेर के पकड़ा गया, जिससे 280 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई, साथ में उसके कीटनाशक भी बरामद हुए हैं। और एक अभियुक्त वहीद खां, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त पंजीकृत किया गया है IPC की धोखाधड़ी की धाराओं में और 60/63 आबकारी एक्ट में। कितनी कीमत होगी जो बरामद शराब है? और बरामद शराब की कीमत करीब 25 लाख है और 21 लाख जो कीटनाशक है उसकी कीमत। नारनौद विधानसभा क्षेत्र के गांव सियास में काली रामन खाब का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि काली रामन
खाब के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और कानफेड चेयरमैन कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने खाब के महत्व के बारे में बताया, साथ ही सांसद डीपी वत्स ने खाब को 11 लाख रुपए भी दिए। पानीपत के जाटल गांव में 22 साल के युवक का शव फंदे पर लटके मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 5 दिन से परेशान चल रहा था और काफी पूछने के बाद भी उसने कोई वजह नहीं बताई। आनन फानन में मृतक को फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनिल मेरा भाई था, तो जो 4-5 दिन से परेशान था, तो जो हमको उसने हमारे को कुछ नहीं बताया। इसने ये काम किया, हमको इसकी कोई खबर नहीं। ये छत पे जो गाटर होता है उस पर लटक रहा था। रात को हम 10:30 बजे तक तो हम भी जगे हैं, लेकिन हमने इसका गेट नहीं खोल कर देखा। मेरे घर पर मैं, मेरे घर वाली नहीं, पापा भी नहीं था घर पर। तो सुबह कैसे लगा पता? सुबह जी ये पता लगा कि हम दोनों भाई एक जगह काम करते हैं दूध का, तो वो मेरे को डेली उठाता था। तो फिर इस बाबू जी के पास हम फोन काम करते हैं, तो इन्होंने फ़ोन किया काजो मगा जी आ रहे हैं। तो जब मैं उसको उठाने गया ना, तो मैंने उसका दरवाज़ा खटकाया तो खोला नहीं उसने दरवाज़ा। फिर मैंने झांके, मैंने देखा तो अंदर की कुंडी लग रही थी। जब जाकर थोड़ा बहुत शोर शराब होया तो पड़ोसी उठकाए जी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था। उस टाइम पर लटका हुआ था जी। इसका नाम अनिल कुमार था, बाप का नाम रामदारी था। ये कुछ मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए इसे लोग पोस्टमार्टम करवा गया ना, अब अगली बार छान करी जाएगी इसकी। सर इसने कहाँ पर फंदा लगाया? कुछ इसने अपने घर में कमरे के अंदर लगाया था जी। अभी क्या कार्रवाई की है सर? इसके 174 की कार्रवाई कर रहे हैं, इसके जो बहन देंगे वो कार्रवाई। हरियाणा के सतलानी में गांव नावा के पास खरड़ जोहड़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक के गले में फंदा देख गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए इसे जोहड़ में फेंक दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगरा के मौजा बसेरा कला गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई, जहां गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा के थाना ताजगंज में पचघाई खेड़ा में एक साइकिल सवार युवक को डंपर ने रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगाकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस डंपर की तलाश में जुट गई। लखनऊ में 26 अरब के पीएफ घोटाले को लेकर आज बिजली के 45,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। बताया जा रहा है कि सरकार ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, साथ ही बिजली कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में दो भाइयों ने अपने पिता के अपमान का बदला लेते हुए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार 15 साल पहले एक युवक ने उनके पिता का अपमान किया था, जिसके चलते दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना अजनर क्षेत्र के गांव नगारा डांग में परसों रात्रि के करीब 7-7:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपहृत, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। वादी की तहरीर पर 3 लोगों को इसमें नामजद किया गया था, जिसमें 2 मेन अभियुक्त कलुटार हरिश्चंद्र, जो आपस में भाई भी हैं, उनको आज पुलिस के द्वारा सुबह 6:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 कुल्हाड़ी जो इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई थी, उन दोनों को भी बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़े गए वाहन चोर के पास से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल
और एक कट्टा भी बरामद किया है। वहीं पकड़ा गया वाहन चोर पड़ोसी मुल्क नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने उस वक्त वाहन चोर को पकड़ा जब वो चोरी की मोटरसाइकिल से भारत में एक और वारदात को अंजाम देने वाला था। वहीं पुलिस की माने तो युवक वाहन चोर बहुत ही शातिर चोर है। वो नेपाल की गाड़ियों को भारत में और भारत की गाड़ियों को नेपाल में बेचकर अपना धंधा चलाता था। इसके साथ ही युवक नेपाल में चोरी की सजा काट चुका है। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। दिनांक 15 नवंबर को गनवरिया मोड़ के पास कपिल वस्तु पुलिस के द्वारा अपना रूटीन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। चेकिंग करने पर वो मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई, उसकी नंबर प्लेट भी उसके द्वारा बदली गई थी। उससे जब पूछताछ की गई और उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक कंट्री मेड फायरआर्म भी बरामद हुआ और उसकी निशानदेही पे एक दूसरी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जो कि शोरतगढ़ से चुराई गई थी। पहली मोटरसाइकिल उसके द्वारा बताया गया कि नेपाल से उसने चुराई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। उसने अपने उसमें यह भी कबूल किया है कि इससे पहले वह नेपाल में भी चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वहाँ पर जेल भी जा चुका है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और उससे जो भी हमें लाभप्रद सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।